हे गाइस, हाउ यू हो, क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक गजब के टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया था कि सर ये बताइए, पॉलिटेक्निक के बाद अगर हम बीटेक करने जाते हैं तो क्या फायदे होंगे। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने जाते हो तो वहां पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या चीजें आपके लिए सही रहेंगी, कौन सी चीज में आप आगे जाओगे, कौन सा चीज आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, कौन सा चीज नेगेटिव रहेगा। और पहली बार अगर आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक का एंट्रेंस देना चाहिए। पहला तो मैं यही पॉइंट रखूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, चाहे टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो, चाहे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहे हो, चाहे टॉप 5 से पढ़ रहे हो, बीटेक का जो एंट्रेंस है एक बार जरूर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे दूं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे थे, कई सारे स्टूडेंट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे थे, उनको हरकोट बटलर जैसे की एग्जाम्पल है, यूपी का हरकोट बटलर आईआईटी के लेवल का कॉलेज मैं मानता हूँ। हरकोट बटलर का इतना अच्छा प्लेसमेंट है, इतना अच्छा सब कुछ है हरकोट बटलर का, तो हरकोट बटलर से वहां जॉब मिल रही थी, लेकिन चीजें कॉन्फ्लिक्ट हुई, चीजें प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया हरकोट बटलर से, करियर बहुत अच्छा गया। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के लिए तो समझ लो एक ब्रह्मास्त्र है ये जो मिला है, तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देखो, एडमिशन लेना या न लेना वो बात की बात होगी, आप लोग करते क्या हो ना, पहले डिसाइड कर लेते हैं नहीं मुझे तो करना ही नहीं है। अरे भाई, पहले आप एंट्रेंस तो दो, पहले पास तो हो, अच्छे रैंक लेकर के आओ। आप आज के जमाने में देखो, अगर अच्छे रैंक लेकर के आ गए ना तो वहां स्कॉलरशिप पे पढ़ लोगे। गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज 50,000 फीस है, उससे ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, पार्ट टाइम काम करने का मौका भी मिल जाएगा, कमा भी लोगे। 3 साल ही तो आपको सर्वाइव करना है, 3 साल जेल लो उसका लाइफ सेट है आपके लिए, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उस ऑप्शन में जाना है या नहीं, आपको अपना टायर थर्ड ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि देखो, टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पास आउट हो गए, जॉब लेते लेते वक्त लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत वक्त लग जाएगा। इससे बेटर है कि आप जब बीटेक अच्छे कॉलेज से कर लो और वहां से फिर अपना करियर सेट कर लो, तो एक बड़ा गुड अपॉर्चुनिटी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बीटेक में ट्रेड चेंज कर लूंगा या ये कर लूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं पॉलिटेक्निक में जो गलत ट्रेड ले लेते हैं, मतलब उनका पसंदीदा ट्रेड नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं उस फील्ड में जाके। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल ले लेते हैं, तो बीटेक में आप ट्रेड चेंज कर सकते हो, लेकिन उस सिनेरियो में चेंज करोगे जब आपका बिल्कुल मन ना हो, बड़ी मुश्किलों से आपने पॉलिटेक्निक गुजारा हो या डिप्लोमा किया हो, उसके बाद ही आप उसमें जा रहे हो। जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना यार, जल्दबाजी का डिसीजन बड़ा खतरनाक होता है, शैतान का काम होता है। और जल्दबाजी में अगर आपने वो कर लिया कि नहीं इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था, चलो यहाँ कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, तो पता चला ना इसमें के रहे ना उसमें के रहे। मैं हमेशा इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि डिप्लोमा में जो ट्रेड है वो बीटेक में ट्रेड दोनों सेम होना चाहिए, उससे डुअल डिग्री का बेनिफिट भी मिल जाता है। कई बार आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, बीटेक के बेस पे नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो पॉलिटेक्निक के बेस पे सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहां आपको प्रमोशन मिल जाता है या अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे एड ऑन करने के लिए फैसिलिटी मिलती है। तो ऑब्वियसली गाइस, आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी का आप कितना फायदा उठा रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को कितना आप एड ऑन कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेकर के जा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप चीजें स्टेप बाय स्टेप सही नहीं करोगे तब तक शायद आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा काम था गाइस आपको बताना, और आपका काम है उस पे एक्शन लेना, उस पे अप्लाई करना। अगर आप उस पे एक्शन नहीं लोगे, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो शायद आपका करियर बढ़ेगा नहीं, शायद चीजें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं काम करेंगी। तो बस वीडियो में इतना ही, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।